हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। और ये वीडियो है संडे का, और मंडे को मेरी कोई वीडियो नहीं गई है, किस कारण से वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा क्यों नहीं मेरी आज के मंडे वाले दिन वीडियो गई है। और ये मैंने कुछ कंटेनर मंगवाए थे जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे लगे ये वाले। और मैंने 3-4 सामान इकट्ठे ही मंगवा लिए थे जो कि मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, एक साथ मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। तो जैसे कि मैंने वो जो कपड़ों के लिए हैंगर मंगवाया था कपड़े सुखाने के लिए, वो मैंने शेयर किया, आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। और 2-3 चीज़ें और है जो मैंने मंगवा रखी है, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो ये कंटेनर देख सकते हो, ये कंच का कंटेनर है। तो ये ट्रियो कंपनी के हैं और इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, और रात को ही मैंने इस तरीके से सारे ही डब्बे धो के रख दिए थे। मैं जब भी कुछ भी चीज़ खरीदती हूँ उसको ऐसे धो के सुखा के तब मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं बात पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ। तो अभी जो है मैं और जो ये डब्बे हैं वो दालें इसमें डाल देती हूँ। इससे जो पहले वीडियो देखा, जिस दिन मैं लेके ख़रीदा था ना, मैंने उसी दिन चेक कर लिया था, क्योंकि अब मैं जिस दिन सामान मंगाती हूँ, जिस दिन मतलब आ जाता है मेरे घर पे ऑनलाइन से, उसी दिन चेक कर लेती हूँ। और ये मेरे 1 किलो के जो डब्बे होते हैं ना वो मंगवाए थे, लेकिन 1 किलो इसमें सामान नहीं आ रहा है, आधा किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा सामान आ रहा है इसमें। तो आगे चल के आप देखोगे कि मैंने एक आधा किलो का पैकेट खोला था तो वो कितना आया है, तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये वाले जो जार है ना, मैंने बहुत मतलब कि कंटेनर जो है बहुत टाइम से मेरा इतना मन था इनको लेने का, और मैं धीरे धीरे जैसे कि सोच रही हूँ सारे इसी तरीके के जो कंच के हैं वो लेने वाली हूँ। या तो आप बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का इस्तेमाल करो, या फिर आप कंच का स्टील का इस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए सही नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे अपने किचन से जो है प्लास्टिक के डब्बे हटा रही हूँ। और ये 6 का सेट आया है और मैंने इनसे ना बहुत मुश्किल से मंगवाए हैं, और मतलब अभी कह रहे थे अभी तो तेरा काम चल ही रहा है तो अभी मत ले, मका नहीं मेरा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी दालें जो अभी भी मेरी मतलब पैकेट में ही बंद है, जो कि मतलब मेरे पास नहीं थे तो इसलिए। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मेरे जो पुराने कंटेनर थे जो कि मेरी पहले से मैं यूज़ करती थी, वो सब मैंने रिटायर मतलब दे दिए थे किसी को, इसी तरीके से मैंने नहीं रखे थे। किचन के जितने भी डब्बे थे ना वो मैंने ज़्यादातर दे ही दिए हैं किसी न किसी को। तो बस ये वाइट वाले जो डब्बे देख रहे हैं यही थे मेरे पास, और जैसे मसालदानी हर चीज़ मैंने मतलब दे दी किसी को। और अब थोड़ा सा मुझे लगता है, मेरी मम्मी ने बहुत मना किया था, मत देख तेरे काम आएंगे आगे चल के, तो लेकिन मैंने नहीं सुनी तो मैंने सब दे दिए थे। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अब मुझे एक एक करके ख़रीदना पड़ रहा है, और वो सब मैंने दे दिया है। तो नीचे मेरा अच्छे से सेट नहीं हुआ, मतलब कुछ कंटेनर नीचे रह गए हैं, तो मैं ऊपर से सारा सामान हटा रही हूँ। ऊपर जैसे कि छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना वो सब मैंने रख रखे हैं, जो कि एमरजेंसी में कभी भी जरूरत आपको पड़ सकती है उन सब डब्बों की। तो साफ़ करके सुखा के अच्छे से मैंने वहाँ पर रख रखे थे, तो उनको मैं हटा रही हूँ वहाँ से। जो कि जो दालें बहुत ही जैसे कि छोले राजमा और चने की दाल, ये बहुत मैं कम यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, तो वो मैंने वहाँ रख दिए। और ये वीडियो मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी आँख में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो आप देख सकते हो कितनी मेरी आँख सूजी हुई है। तो रात से ही मैं इस आँख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और अभी दवाई डाल के थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे दर्द हो रहा है जिससे इस आँख में कुछ गिरा हुआ है इस वजह से। तो देखते हैं कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगी, करूँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अभी जो है शाम का टाइम है तो मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तय। जब सब ये सारे जो कितने भी कपड़े हैं वो सब हाथ से धुले हुए हैं, इनमें सब में कलर निकलता है, और मुझे कलर जिसमें निकलता है ना वो कपड़े बहुत बेकार लगते हैं, क्योंकि सब हाथ से धोने पड़ते हैं, बहुत मेहनत होती है, क्योंकि ज़रा सा भी मशीन में धो दिया तो सारे ही कपड़े ख़राब हो जाएंगे इस वजह से। और कभी कभी तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि इन कपड़ों का कलर निकल रहा नहीं निकल रहा, तो मैं ज़्यादातर पहले भिगो के देख लेती हूँ कि इन कपड़े का कलर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, क्योंकि बहुत टाइम टाइम के बाद एक कोई भी कपड़ा मेरा यूज़ होता है। और अभी तो बस मैं ऐसे ही तह लगा के इनको रख रही हूँ अलमारी में, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज़ करना है सारा सामान, तो अभी मैं आयरन करके तो नहीं रख रही हूँ, आगे से देखूँगी ज़्यादा जितने भी कपड़े डेली धोती रहूँगी तो साथ के साथ आयरन करके रखती रहूँ। तो ये मैंने होली वाले दिन जो है सूट पहना था वही है, तो इस पर जो दाग है वो थोड़े से नहीं निकले हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इसको पहन नहीं सकते, घर घर में तो पहन ही सकती हूँ इस वाले को भी मैं, क्योंकि ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये मेरा। और एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि जब भी दिवाली आती है ना तो दिवाली पर ये सोचते हैं कि कोई कपड़ा है ही नहीं हमारे पास, नहीं चाहिए हमें, तो
और होली पे ऐसा लगता है कि सारे ही कपड़े हमारे नए हैं, कौन से पहने कौन से नहीं। मेरे साथ ऐसा होता है कि ये तो मेरा नया सूट है, ये ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दिवाली वाले टाइम ऐसा होता है कि कोई भी मतलब कि लगता है सब पुराने हैं, बेकार है, ये नहीं पहनूंगी, नहीं चाहिए। तो यही चीज़ किस किस के साथ में होती है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है, मतलब दिन में भी यही है कि पंखे चलाने शुरू कर दिए हम लोगों ने तो, और आगे चल के पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब अभी तो मार्च का महीना है, मार्च में ही इतनी गर्मी है तो फिर पता नहीं क्या होगा आगे तो। तो ये है मंडे वाले दिन का। तो संडे की रात को ही मैंने कुछ ये मतलब कि शीशे ग्लास व्लास है मेरे पास वो सब मैंने धो लिए थे, क्योंकि पहले मैंने नहीं धोए थे ये। और मैं ज़्यादातर रात के टाइम पे ही जितने भी प्लास्टिक के जो जो धोने का एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो रात के टाइम ही धो लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो आज मैं मतलब पहली बार ये सब्ज़ी बना रही हूँ, आल के प्याज की जो ग्रीन प्याज होती है उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग मैं किस तरीके से ये सब्ज़ी बनाती हूँ। अभी तो मैंने इसको धो लिया है और मैं बारीक बारीक काट रही हूँ इसको। और यहाँ पर मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया है, दाल मतलब कि दाल भी बनाने वाली हूँ, ये मिक्स दाल है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है और साथ में मैं हल्दी डाल रही हूँ। तो बस इसको ढक्कन लगा के इसमें 2-3 सीटी आएगी तो बन जाए ये दाल। थोड़ी सी चने की दाल भी है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहले भिगो के भी नहीं रखी है तो इस वजह से। तो अभी कुकर का ढक्कन जो है उसको मैं पानी में से ऐसे धो रही हूँ, क्योंकि ये मेरी एक आदत है, हर बर्तन को मतलब कि खुद भी धोती हूँ ना तो भी मेरी आदत है ये। तो इसमें मैंने तेल डालना भूल गई, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है इसमें। और बस इसको गैस को ऑन कर दिया, 2-3 सीटी आएगी, फिर इधर मैं अपनी सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। उधर दाल भी बन जाएगी और एक तरफ सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई है वो चढ़ा दिया है, उसमें तेल भी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है। और इसके बाद में थोड़ी सी इसमें हींग है वो डाल दूंगी, ज़्यादातर मैं सब्जियों में हींग यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैंने ये आलू हैं वो भी डाल दिए हैं। और आलू को इतना मतलब भूनना है जो कि 50% या 60% तक आपके आलू जो कि पक जाएं अभी इसी टाइम पे। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो एक बार आप लोग बना के देखना, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी ये। और मतलब इन्होंने भी पहली बार खाई और मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे खुद को ही बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हो ये ग्रीन प्याज वाली तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो बस अभी ये जो है मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला जो होता है वो है, और जीरा पाउडर है, हल्दी है, नमक मतलब नमक भी नहीं डाला, लाल मिर्ची है कलर वाली। तो ये मैंने ये चीज़ें डाल मसाले डाल दिए हैं 3-4। और उसके बाद बस इसको पकने देना है थोड़ी देर और। और इसके बाद मैंने ये डाल दिए हैं इसमें जो प्याज ग्रीन वाली प्याज मैंने काट के रखे वो। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करूँगी मैं। और जो आलू है ना उसमें टाइम लगता है, प्याज में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए ना आलू को ज़्यादा से ज़्यादा पका लेना आप लोग। और इसमें फिर अभी मैंने टमाटर डाल दिया, एक टमाटर डाल दिया है काट के इसमें। अगर आप क्रिस्पी सब्जी चाहते हो तो टमाटर बिल्कुल मत डालना, थोड़ी सी वैसे चाहते हो तो टमाटर डाल लेना, क्योंकि पानी ये टमाटर अपना पानी छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छे से अभी मतलब ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी और बीच में चेक करती रहूंगी। तो जो सब्जी वाली मतलब कढ़ाई वो दूसरी गैस पे रख दी है मैंने, और यहाँ पर मैं जो दाल बना उबलने के लिए रखी थी उसमें भी छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल डाल दिया, तेल में मैंने जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्ची, तेज़पत्ता और उसके बाद प्याज है काट के वो भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर प्याज मेरे हो गए तो उसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। तो बस हल्दी पाउडर मतलब कि सूखी लाल मिर्ची और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3 मसाले इसमें मैंने डाले हैं। और जो कि टमाटर है और
हरी मिर्ची है वो डाल दिए हैं, और इसकी कढ़ाई में ना प्याज अच्छे से हो नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों, जिस हिसाब से या तो जल जा रहे हैं या फिर अच्छे से मतलब कच्चे पक्के से रह रहे हैं, अच्छे से ब्राउन नहीं हुए थे। तो अभी मैं सब्जी चेक कर रही हूँ कि आलू मेरे जो है बन मतलब कि अच्छे से गल गए हैं नहीं गले, तो थोड़ा सी कसर अभी मुझे लगी तो मैंने ढक के रख दिया है। तो यहाँ पर मेरी जो दोनों सब दाल और सब्जी है वो बन के हो गई तैयार। तो यहाँ पर मैंने इतने बीच में आटा भी गूंद लगा लिया था। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि कुछ काम करते तो बीच बीच में अपना और भी काम करते रहते हैं, जैसे किचन में ही खड़े खड़े दो चार बर्तन हो तो बीच में वो कर लिए साहब, या फिर आटा गूंद के रखना तो वो रख लिया है। और मैं आटे को ना कभी भी जैसे कि फ्रिज में नहीं रखती, जितना आटा गूंदती हूँ साथ के साथ उसी की रोटी बना लेती हूँ। चाहे रोटी हम लोग बाद में बासी भी खा लेते हैं, जैसे कि सुबह की मतलब कि पूरे दिन खा लेते हैं फिर, या रात की रोटी बनी हो तो सुबह भी खा लेते हैं, लेकिन आटा मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। जितनी आटा गूंदती हूँ मैं सारा ही उसे बना लेती हूँ, और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा आटा गूंदती ही नहीं हूँ। कितना ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, कितना टाइम लगता है बनाने में, बस एक सोचने में ही टाइम लगता है क्या बनाना है क्या नहीं, बस उसी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो दूसरी तरफ है ना चूल्हा थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे, उस पर ढंग से रोटी ना सिक नहीं रही थी, कभी कच्ची कभी जल रही थी, तो मैंने इस साइड बनानी शुरू करी। तो मैं बस फटाफट अपनी जो रोटी है यहाँ पर वो बना लेती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को ज़रूर बता देना मुझे। और यहाँ पर हमारा जो खाना है वो बन के हो गया तैयार, मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। यहाँ पर दाल है मिक्स दाल बनाई, ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है, इन्होंने इन भी बोला कि बहुत अच्छी बनी। और यहाँ पर रोटी है, प्याज काट लिया है, सलाद मतलब कि रायता बना लिया मैंने बूंदी डाल के, बूंदी का रायता। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए स्वस्थ रहिए।